गुड मॉर्निंग गाइज, बीएससी एकेडमी लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर के बारे में काफ़ी सारे टर्म पढ़ते हैं, लेकिन मेनली आपके पेपर में क्या आता है, ठीक है, उसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। प्राइमरी बेसिस पे अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एसबीआई में, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम यूजर, ठीक है, 95% यूजर्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। नहीं, 100% 2 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अभी हम लोग कंप्यूटर में पढ़ेंगे, डैट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन, डैट इज नंबर सिस्टम। बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे और क्लास के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, ये मेरा दावा है। नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम बेसिकली कैटेगराइज इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन डैट इज पोजिशनल नंबर। पोजिशनल नंबर किसी भी पार्टिकुलर नंबर की बात करें जहाँ पे पोजीशन से मतलब होगा, ठीक है, वो सारे पोजिशनल नंबर होंगे। जहाँ पे पोजीशन से कोई मतलब नहीं होगा वो सारे पोजिशनल नंबर नहीं हैं। जैसे अगर हम लोग रोमन नंबर की बात करें, नॉन पोजिशनल नंबर, यहाँ पे डॉट की बात करें, यहाँ पे पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग रोमन नंबर की बात करें 5, 6, 7, यहाँ पे पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। आपके पेपर में नॉन पोजिशनल नंबर नहीं आता। आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे डैट इज पोजिशनल नंबर। पोजिशनल नंबर की बात करें, बेसिकली यहाँ पे 4 पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं। फर्स्ट वन डैट इज बाइनरी नंबर। अगर हम लोग सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है, इसके अलावा किसी भी टर्म को नहीं समझता, ठीक है। बाइनरी नंबर डैट इज 0, 1, लेकिन हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज डैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। अभी जो हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, उसके लिए एक लैंग्वेज यूज करते हैं डैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। C++, जावा, .NET, ये सारे क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आप देखते हैं, ठीक है, बेसिकली हम लोग यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेज। लेकिन, ठीक है, सिस्टम किसे समझता है, 0, 1। 0, 1 क्या है, बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर सिर्फ 0, 1 के कम्बिनेशन से बनता है। जितने भी डेटा होंगे सारे डेटा 0, 1 के रूप में कन्वर्ट किए जाएंगे और सिस्टम सिर्फ 0, 1 को समझता है। 0, 1 कम्बिनेशन ऑफ डैट इज मशीन लैंग्वेज। सिस्टम सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। बाइनरी नंबर 0, 1 में टोटल कितने डिजिट, 2 डिजिट, इसीलिए इसका बेस हम लोग कहेंगे कितना होगा, 2, क्योंकि जितने भी बाइनरी नंबर होंगे वो सारे नंबर 0, 1 के कम्बिनेशन से बनेंगे, ठीक है। सेकेंड वन डैट इज ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर की बात करें जिसका रेंज क्या होगा, 0 to 7। जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर 0 to 7 के कम्बिनेशन से बनेंगे। अगर कभी भी किसी भी तरीके से नंबर दिख जाए 8 या 9, इस केस में कभी भी वो ऑक्टल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब 0 to 7 में टोटल कितने नंबर, 8, 8, इसीलिए इसका बेस क्या होगा, डैट इज 8। हम लोग कौन सा नंबर यूज करते हैं, हम लोग नंबर यूज करते हैं डैट इज डेसिमल नंबर, ठीक है। जितने भी डेटा हम लोग यूज करते हैं वो सारे नंबर होंगे डैट इज डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर हमेशा 0 to 9 के कम्बिनेशन से बनते हैं। अगर आप लिख रहे सपोज डैट 125, ये नंबर जो बना है सारे नंबर 0 to 9 के कम्बिनेशन से बना है, ठीक है, इसीलिए आप इसे कह सकते हैं डैट इज डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का रेंज क्या है, 0 to 9, टोटल कितने डिजिट, 10 डिजिट, इसीलिए आप इसका बेस कह सकते हैं क्या होगा, डैट इज 10, क्योंकि हम लोग डेसिमल नंबर ही यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ बेस मेंशन नहीं करते, ठीक है। फोर्थ वन की बात करें डैट इज हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें, ठीक है, सारे नंबर जो डेसिमल नंबर में आप यूज करेंगे वो एज इट इज यूज किए जाते हैं, लेकिन, ठीक है, 0 to 9 जैसे आप यूज करते हैं एज इट इज यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही वैल्यू होगा 10, 10 इक्वेवेलेंट A, 11 इक्वेवेलेंट B, 12 इक्वेवेलेंट C, 13 इक्वेवेलेंट D, 14 इक्वेवेलेंट E, 15 इक्वेवेलेंट F, 0 to 15 टोटल कितने नंबर हो गए, 16, इसीलिए हेक्साडेसिमल का बेस क्या होगा, डैट इज 16। अब ये बेस क्या है, बेस की बात करें, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर नंबर की बात करें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 100 बेस 10, इसका मतलब ये नंबर कौन सा है, डेट इज डेसिमल नंबर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 100 बेस 2, इसका मतलब ये नंबर कौन सा है, डेट इज बाइनरी नंबर। ठीक है, 100 आप, ठीक है, बाइनरी नंबर को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 12 कन्वर्जन आपके पेपर में आएंगे और ये सारे के सारे कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कवर होते हैं। एसबीआई पीओ की बात करें, क्लर्क की बात करें, आईबीपीएस पीओ की बात करें, क्लर्क की बात करें, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर एप्टीट्यूड। बाकी जितने भी पेपर हैं, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे आरबीआई हो, नाबार्ड हो, एलआईसी हो, रेलवे हो, हरियाणा एसएससी हो, सारे जगह पे पूछे जाएंगे कंप्यूटर अवेयरनेस, और बिना कंप्यूटर अवेयरनेस के कंप्यूटर एप्टीट्यूड आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कंप्यूटर अवेयरनेस में क्वेश्चन पूछे गए तो कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 100 बेस 10, इसका मतलब ये नंबर कौन सा है, डेसिमल नंबर, और इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, 101 के फॉर्मेट में। ठीक है, ये जो नंबर होंगे डेट इज बाइनरी नंबर। ठीक है, अब ये नंबर क्या है, ठीक है, इसे हम लोग आगे देखेंगे, ये पार्टिकुलर नंबर क्या होगा इसे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, बाइनरी नंबर। अगर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। लेकिन ये नंबर कौन सा है, डेसिमल नंबर, डेट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड में डिफरेंस नहीं पता है। ठीक है, अगर इसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिए जाएं कि ये नंबर कौन सा है, आप कहेंगे डेसिमल नंबर, दैट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। कैसे इसे कन्वर्ट किया जाए, दैट इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड। सिंपल सा टर्म, जहां दिमाग लगाना पड़े, दैट इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड। जहां दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रिप्लाई कर सके, दैट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। यहाँ पे 12 कन्वर्जन हम लोग करने वाले हैं और सारे कंटेंट कवर होंगे कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जहाँ पे प्राइमरी बेसिस पे एसबीआई के लिए आप कवर करने वाले हैं। अब इसे कैसे बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करें, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, इसे हम लोग देखेंगे। 12 कन्वर्जन नंबर फर्स्ट, डेसिमल टू बाइनरी, क्योंकि हम लोग जो नंबर यूज करते हैं डेट इज डेसिमल नंबर, सिस्टम जिसे यूज करता है डेट इज, ठीक है, बाइनरी नंबर। कन्वर्जन नंबर फर्स्ट, डेट इज डेसिमल टू बाइनरी। किसी भी नंबर की बात करें, 25 बेस 10, इसका मतलब ये नंबर कौन सा है, डेसिमल नंबर, और इसे कन्वर्ट करने हैं किसमें, 01 बेस 2, डेट इज बाइनरी नंबर। क्वेश्चंस में ये लिखे हुए नहीं होंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, क्वेश्चन डायरेक्ट दिए जाएंगे और आपको खुद से एनालाइज करना है कि आपको किस में कन्वर्जन करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेस 10 डेट इज डेसिमल नंबर, बेस 2 डेट इज बाइनरी नंबर, इस डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहला कंडीशन, डेट इज डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड क्यों, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है 2, इसीलिए आप 2 से डिवाइड करेंगे। टिल रिमाइंडर, एंड क्वोशेंट, शेष और भागफल एंड क्वोशेंट लेस देन 2। ठीक है, इसका मतलब जो भी डेटा मिलेगा वो सारे 2 से छोटा होना चाहिए। अब या तो ये मिलेगा 0 या तो ये मिलेगा 1, और 01 क्या है, डेट इज बाइनरी नंबर। ठीक है, इस कंडीशन को तब तक फॉलो करेंगे, ठीक है, जब तक 2 से छोटे डेटा नहीं मिल जाए। जो भी डेटा आपको मिलता है उसे अरेंज करने हैं। अरेंज MSB फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछे गए हैं। MSB डेट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, टू LSB, डेट इज लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, आगे समझेंगे MSB क्या है, LSB क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि कन्वर्जन बाइनरी में करेंगे। जो भी डेटा मिलेगा उसे नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज करेंगे। ठीक है, लास्ट नंबर डेट इज MSB, फर्स्ट नंबर डेट इज LSB। जैसे नंबर गिवन है 25, कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में कैसे, 2 से डिवाइड, हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, रिमाइंडर सेक्शन को यहाँ लिखेंगे, हम लोग बार बार इस गलती को करते हैं, रिमाइंडर को आप यहाँ लिखते हैं जो गलत है, रिमाइंडर सेक्शन को यहीं पे लिखने हैं। कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। पॉइंट में नहीं लेने हैं, अगर आप पॉइंट में ले रहे तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। और इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को आपको यहाँ नहीं लिखने हैं, ठीक है। शेष क्या बचा? शेष क्या बचा? 1। अगेन पहला कंडीशन फॉलो नहीं हुआ है क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तब तक जब तक कि भागफल 2 से छोटा नहीं हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है 12, 2 से बड़ा है, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। शेष क्या बचा? 0। अगेन डिवाइड बाय 2 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। शेष क्या बचा? 0। अगेन डिवाइड बाई 2 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। शेष क्या बचा? 1। फाइनल नंबर, फाइनल नंबर डैट इज known as MSB, most significant bit, first number known as LSB। आपको अरेंज कैसे करने हैं? MSB to LSB। इसका मतलब नंबर आपको मिलेगा 11001। ये बाइनरी नंबर है, इक्विवेलेंट 25 डेसिमल नंबर। इस तरीके से सारे नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे। एक छोटा सा नंबर और ले, ठीक है। अगर ये हो 19, बेस 10 कन्वर्ट इनटू बेस 2, क्या करें? 19 डिवाइड बाई 2 कितने टाइम्स? ठीक है 9 टाइम्स। शेष क्या बचा? 1। अगेन डिवाइड बाई 2 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। शेष क्या बचा? 1। अगेन डिवाइड बाई 2 2 टाइम्स। शेष क्या बचा? 0। अगेन डिवाइड बाई 2 1 टाइम्स। शेष क्या बचा? 0। फाइनल नंबर 10011। ये बाइनरी नंबर है, इक्विवेलेंट 19 डेसिमल नंबर। इस तरीके से सारे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे। 100% ये क्वेश्चन आप सही करेंगे। अगर ये नंबर बड़ा हो उसको आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 to the power what लेस देन इक्वल टू पार्टिकुलर गिवन नंबर, ठीक है। सपोज डैट अगर इस डेटा को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने हो तो कैसे करेंगे? 2 to the power what, नंबर क्या है 19, लेस देन इक्वल टू 19, 2 to the power what डैट इज 4, इक्विवेलेंट व्हाट 16, माइनस करे बचा क्या? डैट इज 3। अगेन 2 to the power what लेस देन इक्वल टू 3, इस केस में बचा क्या? ठीक है डैट इज 1, माइनस करे बचा क्या? 1। 2 to the power 0 इक्विवेलेंट 1, यानी पोजीशन आपको मिल रहा है 0 फर्स्ट एंड फोर्थ। आप स्टार्ट करेंगे हमेशा 0 पोजीशन से और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। 0 वाले पोजीशन पे क्या मिला? डैट इज 1, ठीक है। 0 से लेकर के 1 2 3, 0 से लेकर के आपको जाना है कहाँ तक? फोर्थ तक, ठीक है। पोजीशन कौन सा मिला है? 0, क्या लिखे? 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 पोजीशन आपको मिला है, क्या लिखे? 1, ठीक है। फोर्थ पोजीशन मिला है, क्या लिखे यहाँ पे? 1। जो पोजीशन नहीं मिला है वहाँ क्या लिखेंगे? 0 0। कॉमन नंबर, ठीक है। ये आपका कॉमन नंबर है। अगर नंबर बड़ा हो तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखें, आपको मिला बाइनरी नंबर, इस बाइनरी को जस्ट अपोजिट कन्वर्ट करें, आपको मिलना चाहिए डेसिमल नंबर। कैसे कन्वर्ट करें? कन्वर्जन नंबर सेकेंड, डेसिमल टू बाइनरी। कन्वर्जन नंबर सेकेंड, बाइनरी नंबर कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट किए थे डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। सपोज डैट आपको मिला बाइनरी नंबर 110011, कोई भी एक नंबर ले, इस नंबर को कन्वर्ट करने हैं डेसिमल में, ठीक है। मिलने चाहिए पार्टिकुलर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन स्टार्ट करेंगे हमेशा हम लोग 0 से। 0 से पोजीशन स्टार्ट करके आगे की तरफ आप बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पोजीशन स्टार्ट आप करेंगे हमेशा 0 से। अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 100% आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए पोजीशन स्टार्ट करने हैं 0 से, ठीक है। क्या करें? 01 क्या है, बिट या इसे ही आप कहें बाइनरी नंबर, बिट या बाइनरी नंबर। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइड बाय 2, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर पोजीशन। क्लियर है, पोजीशन आपने स्टार्ट किया 0 से, मैक्सिमम पोजीशन, ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन डैट इज 5th। अगर आगे भी नंबर होता तो और भी पोजीशन को आप इंक्रीज करते। अब यहाँ पे क्या करना है, बाइनरी नंबर क्या है 1 इन 2 क्या 2 टू द पावर, इस 1 का पोजीशन क्या है डैट इज 0। नेक्स्ट नंबर 1 इन 2 2 टू द पावर पोजीशन 1, अगेन 0 इन 2 2 टू द पावर पोजीशन 2, नेक्स्ट 0 इन 2 2 टू द पावर पोजीशन 3, 1 इन 2 2 टू द पावर 4, 1 इन 2 टू द पावर 5। हमेशा ध्यान रहे पेपर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 0 ही आना है, इसलिए पेपर में बिल्कुल एक लाइन में सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, पहले इसे देखें, किसी भी नंबर पे पावर 0 इक्वेलेंट 1, ठीक है, 1 इंटू 1 इक्वेलेंट 1, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 2 0 0, इसका वैल्यू डैट इज 16, 2 टू द पावर 5 इक्विवेलेंट 32, ऐड करेंगे आपको मिलेगा टोटल डैट इज 32, 16 और 3 19 और 32 51। हम लोग गाइज सेकंड कन्वर्जन करें, पहले की हम लोग तो डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी के लिए 2 से डिवाइड, जस्ट अपोजिट आपको मिला बाइनरी नंबर। कन्वर्जन करने हैं बाइनरी टू डेसिमल। आपको 25 का बाइनरी नंबर क्या मिला था 11001, और इसी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करें, आपको मिलना चाहिए 25। अगर नहीं मिल रहा है तो ये गलत है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें पोजीशन स्टार्ट करेंगे 0 से, अगर आपने 1 से स्टार्ट किया तो 100% गलत होने वाला है। 0 से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे 1 2 3 मैक्सिमम 4। अगर ये नंबर और बड़ा होता तो 5th 6th तक भी आप जाते। ठीक है, करना क्या है 1 1 क्या है आपका बाइनरी नंबर, इसका मतलब ठीक है बाइनरी नंबर या इसे ही आप कहें ठीक है बिट, बिट या बाइनरी नंबर कॉमन टर्म। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, टू द पावर पोजीशन, पोजीशन। अब यहाँ पे ठीक है पोजीशन, इस बाइनरी नंबर की बात करें पोजीशन क्या है 0, इस बाइनरी नंबर की बात करें पोजीशन क्या है 4th। करना क्या है ठीक है 1 इन 2 ठीक है 2 टू द पावर, इस 1 का पोजीशन क्या है डैट इज 0, नेक्स्ट 0 इंटू वाट 2 टू द पावर पोजीशन 1, 0 इंटू वाट 2 टू द पावर पोजीशन 2, 1 इंटू वाट 2 टू द पावर पोजीशन 3, 1 इंटू वाट 2 टू द पावर पोजीशन 4। ध्यान रहे पेपर में 0 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी नंबर पे पावर 0 इक्विवेलेंट 1, और इसे 1 इंटू 1 बराबर 1 0 0 8 16, ऐड करेंगे आपको मिलेगा 25। यही आपका डेसिमल नंबर था, डेसिमल नंबर 25 को आपने कन्वर्ट किया, बाइनरी नंबर मिला, इस बाइनरी को जस्ट अपोजिट कन्वर्ट करेंगे आपको मिलेगा डैट इज डेसिमल नंबर। ठीक है, इसका मतलब 100% आपने सही किया है। एक नंबर और हम लोग कन्वर्ट किए थे 19, जिसका बाइनरी नंबर था 10011। ठीक है, इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है और मिलने चाहिए ठीक है 19। अब यहाँ पे क्या करें 1 इंटू 2 टू द पावर पोजीशन 0, नेक्स्ट 1 इंटू 2 टू द पावर पोजीशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 इंटू वाट 2 टू द पावर पोजीशन 4। ठीक है, वैल्यू 1 2, इसका वैल्यू 16, ऐड करेंगे आपको मिलेगा 19। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन में सॉल्व किए जा सकते हैं। कैसे 1 1, इस सारे 1 वाले को कंसिडर करें, 1 इंटू वाट 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू वाट 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू वाट 2 टू द पावर 4 इक्विवेलेंट वाट डैट इज 19। यही आपका डेसिमल नंबर है। और क्योंकि आपको ये लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मैनुअल टास्क को करने हैं, आपको स्क्वायर रूट क्यू रूट पता है, ठीक है। जैसे आप डेसिमल टू बाइनरी के लिए 2 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल के लिए आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखें ऑक्टल नंबर, इसका मतलब रेंज 0 to 7 होने चाहिए। गलती से भी 8 और 9 दिख जाए, इसका मतलब नॉन ऑफ दीज करें, आपको सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्जन नंबर 3rd की बात करें, ठीक है, कैसे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करें। डेसिमल नंबर, दैट इज डेसिमल टू ऑक्टल। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑक्टल का रेंज क्या था, 0 to 7। 0 to 7 में टोटल कितने डिजिट, दैट इज 8। इसीलिए किसी भी नंबर की बात करें, 25th डेसिमल नंबर, इसे कन्वर्ट करने हैं ऑक्टल में। क्या करेंगे, सेम कंडीशन डिवाइड बाय 8। पहला कंडीशन ये होगा कि आपको डिवाइड करने हैं 8 से टिल रिमाइंडर एंड क्वोशेंट लेस देन 8। इसका मतलब 0 to 7 के बीच में ही आने चाहिए, इससे अधिक कोई भी नंबर नहीं दिखना चाहिए। 8 और 9 कभी भी ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, अरेंज MSB टू LSB, MSB टू LSB। अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले 25th से डिवाइड, 25th को डिवाइड करेंगे 8 से, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। शेष क्या बचा, 1। फाइनल नंबर क्या है, दैट इज 31। ये आपका क्या होगा, ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट 25th डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑप्शंस, ठीक है, आप फिल्टर कर सकते हो ऑप्शन दे करके। कैसे, बेस 8, बेस 10, जिसका बेस वैल्यू जितना ही छोटा हो उसका, ठीक है, पार्टिकुलर नंबर वैल्यू उतना ही बड़ा होता है। 1-2 डायरेक्ट ऑप्शंस आप पेपर में फिल्टर कर सकते हैं। बेस वैल्यू जितना ही छोटा होगा उसका नंबर उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। अगर यहाँ होता, ठीक है, हेक्साडेसिमल, तो श्योर शॉट में इसका वैल्यू 25th से कम ही होता, कभी भी अधिक या बराबर नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शंस डायरेक्ट पेपर में आप फिल्टर कर सकते हैं। और पेपर में क्वेश्चन दिए जाते हैं, इफ 1 इक्वल टू ट्रायंगल, 0 इक्वल टू स्टार, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल स्टार ट्रायंगल, ठीक है। आपको लगेगा रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये तो बेसिकली कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, आपको ऐसे ही समझने पड़ेंगे, अदरवाइज आप अनवांटेड काम कर रहे हैं। कन्वर्जन नंबर 4th की बात करें, अगर इस ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करने हो डेसिमल में, कॉमन नंबर मिलने चाहिए। कन्वर्जन नंबर 4th, दैट इज ऑक्टल टू डेसिमल, 31st ऑक्टल नंबर, इसे कन्वर्ट करने हैं डेसिमल में, मिलने चाहिए 25th, ठीक है। कैसे, 31st 1 into व्हाट, 8 to the power 0, जैसे, ठीक है, बाइनरी टू, ठीक है, डेसिमल के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, ठीक है, 1 into 2 to the power, वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, 1 into 8 to the power, पोजीशन क्या है, 0, यहाँ पे पोजीशन 1, ठीक है, 3 into 8 to the power 1, ठीक है, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 24, ऐड करेंगे आपको मिलेगा 25th डेसिमल नंबर। और इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेने हैं। डिटेल क्लासेस, लाइव क्लासेस में आपको मिलेंगी, जहाँ से एक भी क्वेश्चंस आपके पेपर में जो आएंगे, एक भी क्वेश्चंस उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने देखा है, इसका मतलब यह है कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। और इसके लिए काफ़ी कंटेंट आपको दिए जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्जन नंबर 5th, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, लास्ट कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिटेल आपको लाइव क्लासेस में मिलेंगी। और अगर आपको क्लासेस बेटर लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, क्योंकि उसी से हम लोग बेस्ट आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, particular number 25th बेस 10 कन्वर्ट इनटू बेस 16। ध्यान रहे हेक्साडेसिमल के लिए 0 to 9 जैसे हैं एज इट इज यूज किए जाएंगे। जैसे वैल्यू मिले 10 इक्विवेलेंट व्हाट ए, 11 इक्विवेलेंट बी, 12 इक्विवेलेंट सी, 13 इक्विवेलेंट डी, 14 इक्विवेलेंट ई, 15 इक्विवेलेंट एफ, टोटल कितने हुए 16। इसीलिए इसका बेस हम लोग लिखेंगे क्या होगा डैट इज 16। कभी भी हमेशा ध्यान रखना है हेक्साडेसिमल में अगर 10 एंड एबव नंबर आ रहे हैं तो उसे ए बी सी के फॉर्मेट में लिखना ही है, अदरवाइज 100% गलत करेंगे और एग्जामिनर यही चाहता है। ठीक है, इसीलिए ए बी सी के फॉर्मेट में लिखना ही है। 25th ठीक है क्या करें डिवाइड बाय 16, जैसे हम लोग वहाँ इससे पहले कर रहे थे डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाई 8, वैसे ही यहाँ करेंगे डिवाइड बाई 16। ठीक है 16 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 1 टाइम्स। ठीक है रिमाइंडर क्या बचा 9, फाइनल नंबर क्या होगा डैट इज 19। ये आपको मिला क्या हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है और ये 25th डेसिमल नंबर के बराबर होगा 19 हेक्साडेसिमल नंबर। मैंने पहले ही बताया था जिसका बेस वैल्यू जितना ही छोटा हो उसका एक्चुअल वैल्यू उतना ही बड़ा होता है। ठीक है आप 2-3 क्वेश्चन जैसे ही कन्वर्ट करेंगे आपको बाय डिफॉल्ट पता चलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आते, आपके पेपर में जैसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे 95 बेस 10 कन्वर्ट इनटू बेस 16, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 95 डिवाइड बाय 16 कितने टाइम्स 5 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा 15। अगर आपने लिखा है 515 ठीक है तो एग्जामिनर यही चाहता है कि आप गलती करें। ठीक है ये गलत है, 15 कभी भी हेक्साडेसिमल में नहीं होता। ठीक है आपको 15 इक्विवेलेंट क्या लिखना है एफ, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट आप करें एफ। ठीक है डैट इज 5F और यही आपका हेक्साडेसिमल नंबर होगा। ठीक है अगर आपने 515 लिखा है तो इस केस में 100% ये गलत है क्योंकि 15 हेक्साडेसिमल में होता ही नहीं है। ठीक है इसीलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है ए बी सी के फॉर्मेट में कोई डेटा है क्या। ठीक है अगर आप इसको ध्यान नहीं रख रहे इसका मतलब हेक्साडेसिमल गलत हो सकता है क्योंकि एग्जामिनर इसी को चेक करता है। ठीक है लास्ट कन्वर्जन नंबर 6 आपको मिला हेक्साडेसिमल नंबर और इसे कन्वर्ट करने हैं डेसिमल में 5F डैट इज हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है कन्वर्जन नंबर 6 हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर 5F डैट इज हेक्साडेसिमल नंबर और इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें डेसिमल में। अब यहाँ पे अगर आप 15 को F लिख सकते हैं तो वैसे ही आप ठीक है यहाँ पे देखें F को 15, 15 को F जस्ट अपोजिट F इक्विवेलेंट व्हाट 15 इंटू व्हाट 16 to the power 0, पोजीशन क्या है 0। वैसे ही यहाँ पे 5 इंटू व्हाट 16 to the power 1, इसका वैल्यू कितना ठीक है 1, 1 इंटू 15 इक्वल टू व्हाट 15, इसका वैल्यू कितना 80, ऐड करेंगे तो 95 और यही आपका डेसिमल नंबर है। ठीक है इस तरीके से 6 कन्वर्जन बिल्कुल 2 मिनट में किए जा सकते हैं। 1 मिनट में इसको समराइज कर ले क्योंकि अभी कन्फ्यूजन हो सकता है डिवीजन कहाँ करें मल्टीप्लिकेशन कहाँ करें, और इसके लिए बिल्कुल 1 मिनट में सारे कंटेंट कवर। सबसे पहला कन्वर्जन क्या किए डेसिमल टू बाइनरी, नेक्स्ट वन डेसिमल टू ऑक्टल, नेक्स्ट वन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, जस्ट अपोजिट बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। जिस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डेसिमल हो, जिस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डेसिमल हो वहाँ पे आप करेंगे डिवाइड। ठीक है ध्यान रहे वहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 16। और जिस क्वेश्चन के लास्ट में हो डेसिमल वहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 16। और ध्यान रखना है ए बी सी के फॉर्मेट में भी यहाँ पे डेटा लिखना पड़ेगा। और जिस क्वेश्चन में डेसिमल नहीं हो वहाँ पे डिवीजन भी नहीं करेंगे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करेंगे, नेक्स्ट रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है थैंक यू वेरी मच। ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ।